साथियों, पिछले मन की बात में हमने 2010 में अयोध्या मामले में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में चर्चा की थी और मैंने कहा था कि देश ने तब किस तरह से शांति और भाईचारा बनाए रखा था, निर्णय आने के पहले भी और निर्णय आने के बाद भी। इस बार भी जब 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो 130 करोड़ भारतीयों ने फिर से ये साबित कर दिया कि उनके लिए देश हित से बढ़कर कुछ नहीं है। देश में शांति, एकता और सद्भावना के मूल्य सर्वोपरि है। राम मंदिर पर जब फैसला आया तो पूरे देश ने उसे दिल खोलकर गले लगाया, पूरी सहजता और शांति के साथ स्वीकार किया। आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जिस प्रकार के धैर्य, संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है, मैं उसके लिए विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं। एक और जहां लंबे समय के बाद कानूनी लड़ाई समाप्त हुई है, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका के प्रति देश का सम्मान और बढ़ा है। सही मायने में ये फैसला हमारी न्यायपालिका के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब देश नई उम्मीदों और नई आकांक्षाओं के साथ नए रास्ते पर नए इरादे लेकर चल पड़ा है। न्यू इंडिया इसी भावना को अपनाकर शांति, एकता और सद्भावना के साथ आगे बढ़े, यही मेरी कामना है, हम सब की कामना है।